एवरीवन, जैसे आपको पता है कि एग्ज़ाम अभी होने वाले हैं, या मे भी थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा हमें, लेकिन एग्ज़ाम तो होंगे ही होंगे, राइट। तो हमें अब क्या करना है, अपने क्वेश्चन पेपर को टारगेट करना है। क्वेश्चन पेपर में जो भी क्वेश्चंस रिपीट में आए हैं, उसकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि आगे भी वही क्वेश्चंस आएंगे। एंड जिन क्वेश्चंस के ऊपर मैंने वीडियो बना दिया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और भी इंपॉर्टेंट वीडियोज लेके आऊँगी, आपके साथ शेयर करूँगी कंपल्सरी क्वेश्चन के नोट्स आंसर की। आपने उसके लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना एंड हर एक क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेना जो रिपीट में आया है। तो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि 18 वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड ऑर्गन एनर्जी डायग्राम जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आप आगे देखोगे कि ये बहुत बार पूछा गया है। बोरोन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, बोरेन्स, कार्बोरेन्स एंड मेटेलो कार्बोरेन्स, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अगर आप स्किप करोगे तो आपके मार्क्स बहुत कम जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही ईजी इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसमें आप अपने अच्छे से क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हो। एंड इसका जो है मैंने टॉपिक अपनी वीडियोज के थ्रू भी क्लियर किया है, आप जाके चेक कर सकते हो। और मैं अच्छी डायग्राम थोड़ी सी टिपिकल है, लेकिन ये बहुत बार रिपीट में पूछी गई है, तो आप इसको नहीं स्किप कर सकते हो। एंड जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, एंड इसकी वीडियो मैं एक दो दिन में आपके साथ शेयर कर दूंगी, तो आपको इसकी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आगे आते हैं एंसोपोली एंड हेटरोपोली एसिड्स, जिसकी वीडियो भी ऑलरेडी है हमारे वीडियो के चैनल पर, ठीक है, आप वो देख सकते हैं। लिगेंड टू मेटल एंड मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, ये भी मैंने नोट डाउन कर लिया है टॉपिक्स को, जो मैं आगे फ्यूचर में लेके आऊँगी आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आपके पास नोट्स हैं तो वेल एंड गुड, बाकी मैं अपलोड करती रहती हूँ, आप वहाँ से भी थोड़ी सी हेल्प ले सकते हैं एंड अपने टीचर से भी नोट्स मांग सकते हैं, ठीक है। एंड आपने अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखना है, एंड क्वेश्चन पेपर इस टाइम में आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। सो जितने क्वेश्चन पेपर मेरे पास थे, मैंने मैक्सिमम आपके साथ सारे शेयर कर दिए हैं इस वीडियो में, तो आपने अच्छे से इससे अपनी तैयारी करनी है एग्जाम की, क्योंकि एज का नॉर्मल स्टूडेंट के पास इतने क्वेश्चन पेपर नहीं है जितने मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। स्पिन क्रॉस ओवर एंड कॉटन इफेक्ट, कॉटन इफेक्ट एंड ORD एंड CD वाला जो क्वेश्चन है वो मैंने पहले ही डिस्कस किया हुआ है अपने चैनल पर, वो आप जाके देख सकते हैं, वो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। एक टिप मैं आपको दूंगी कि आप रिएक्शंस को अटेम्प्ट मत करिएगा, क्योंकि जो रिएक्शंस हैं उसमें एरर आ जाती है, तो आप सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट करिए, ना डेरिवेशन वाला पार्ट करिए। एंड जो रिएक्शंस होती हैं उसमें अगर आप पूरे परफेक्ट हो तभी उसको अटेम्प्ट करिए, नहीं तो आपके मार्क्स कट हो सकते हैं, राइट। सो जो क्वेश्चन स्पीक में आए हैं, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि आगे भी एग्जाम में वही क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं एंड हमारे फ्यूचर टाइम में यूज़ होते हैं। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें ये क्वेश्चन आते हैं। दैट्स वाई जो MSc केमिस्ट्री एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ऐसी एक क्लास है जिसमें क्वेश्चन पेपर में मोस्टली क्वेश्चन होते हैं वो रिपीट में आते हैं, राइट। तो वो हमारा प्लस पॉइंट जाता है, क्योंकि हमें आइडिया हो जाता है कि ये वाला क्वेश्चन आएगा, हम वो क्वेश्चन पूरा प्रिपेयर कर लेते हैं, हमारे अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। लेकिन अगर फिर भी हम क्वेश्चन पेपर नहीं देखते हैं, क्वेश्चन पेपर के बिना पढ़ने लग जाते हैं, तो हमारे जो मार्क्स जितना हम कर सकते हैं उतना नहीं कर पाते हैं। इसीलिए मैंने आपको जितने भी मेरे पास क्वेश्चन पेपर थे सारे प्रोवाइड कर दिए हैं, अब आपके ऊपर आपने इसका कैसे बेनिफिट उठाना है। नॉर्मल स्टूडेंट के पास आई होप इतने क्वेश्चन पेपर नहीं होंगे जितने मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं। सो आपने क्या मेन माइंड में रखना है कि जो जो क्वेश्चन सिंपल हैं, राइट, जिसमें एग्जाम्पल्स कम पूछी गई, रिएक्शन कम पूछी गई है, ठीक है, वो वाले क्वेश्चन उठाए थोरेटिकल पार्ट वाले, जिसको आप इजिली अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है आप रिएक्शन में बेस्ट हो या डायग्राम में बेस्ट हो, देन आप वो वाला क्वेश्चन पिक कर लीजिए। तो मेन जो क्वेश्चन है वो मैं आपको फिर भी दोबारा रिपीट में बता रही हूँ, एक कोटन इफेक्ट, स्पिन क्रॉस ओवर एंड बॉन्डिंग ऑफ नाइट्रोजन कॉम्प्लेक्सेस, कोटन इफेक्ट एंड ORD CD, ये वाले क्वेश्चन, डाइबोरेन, कार्बोरेन्स, मेटेलो कार्बोरेन्स, ये क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, आप लिख के ले लो मेरे से, क्योंकि पिछली बार भी जो क्वेश्चन मैंने आपको दोबारा बताए थे वो क्वेश्चन पेपर में आए थे। एंड क्योंकि ये वाले क्वेश्चंस जो हैं हमारे टीचर ने भी हमें ये बहुत फोर्स कर किया था कि ये वाले क्वेश्चन आने हैं, तभी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चंस बार बार आए हैं। वेट्स रूल है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि Re2ClA2 नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है, जो वो हलाइड क्लस्टर का टॉपिक है, जिसको अभी मैं कवर करूँगी बहुत जल्दी। इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, अगर मैं समझाऊंगी तो आपको समझ नहीं आएगा। ऐसा करना कि अगर आपके पास बुक है तो आपने उससे इसको एक बार रीडिंग दे देनी है, जब मैं पढ़ाऊंगी तो आपको ईजिली समझ आ जाएगा, राइट। एंड मेरे पास जो है वो SK अग्रवाल की बुक है, अगर आपको कोई भी टॉपिक चाहिए तो आप मुझे पेज नंबर बता देना, मैं आपको उसका पेज सेंड कर दूंगी अगर आपके पास बुक नहीं है तो, ठीक है। लिमिटेशन ऑफ ऑर्गन एनर्जी डायग्राम, चार्ट ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, आइसोपोली एंड हेटरोपोली एसिड्स, ये सारे मैंने करवा दिए हैं, आइसोपोली एंड हेटरोपोली एसिड्स, जल्दी लिमिटेशन ऑर्गन एनर्जी डायग्राम की करवा दूंगी, एंड स्पिन क्रॉस ओवर का डायग्राम भी करवा दूंगी, ये वाला क्वेश्चन भी इजिली, मैग्नेटिक एक्सचेंज कपलिंग विद हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स, तो जहाँ पर एग्जाम्पल पूछी है वहाँ पर एग्जाम्पल मैंशन करनी है, क्योंकि ये मार्क्स इंक्लूड होते हैं इसके, ऐसे नहीं कि हमने सिर्फ थ्योरेटिकल लिख दिया, एग्जाम्पल भूल जाएँ तो मार्क्स कम होंगे, राइट। वेट्स रूल, ट्राइन्यूक्लियर क्लस्टर, कार्बोरेन, मेटेलो कार्बोरेन एंड बॉन्डिंग इन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बोरेन्स विद एप्रोप्रिएट एग्जाम्पल, तो इसमें से जो भी मुझे लगा टॉपिक्स मैंने अभी नहीं करवाए हैं या मुझे करवाने चाहिए इंपॉर्टेंट है, वो मैं सारे नोट कर लिए हैं, बस बहुत जल्दी मैं आपके साथ उसको शेयर करूँगी। उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है एंड नोटिफिकेशन चेक करते रहना है, जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ आपने देखनी है। तैयारी रखिए, क्योंकि एग्जाम होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, जैसे मैंने ऑलरेडी अपनी वीडियो में बता दिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप वीडियो भी देख लें, ठीक है। कोई भी ये मिसकंसेप्शन मत रहे कि हमारे एग्जाम नहीं होंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, एग्जाम सबके होंगे। तो ये भी क्वेश्चन पेपर है, थोड़ी क्लियर नहीं है लेकिन आपको आइडिया हो जाएगा इससे भी। सो घूम फिरा के जो क्वेश्चन आपको नज़र आ रहे हैं इनऑर्गेनिक के,
तो वो आइसोकोलिक एसिड एंड एट्रोकोलिक एसिड जो है आपको नजर आई गए होंगे, ये क्वेश्चन रिपीट में पूछे गए हैं, आपने इसके ऊपर अपना बेस्ट देना है। सारे क्वेश्चन पढ़ने से अच्छा आप वही क्वेश्चन करो जो रिपीट में आए हैं, मेटा हैलाइड क्लस्टर। एंड आई वॉन्ट टू रिक्वेस्ट यू, अगर आपके लिए मेरी कोई भी वीडियो हेल्पफुल रहती है, आपकी हेल्प होती है, 1% भी हेल्प होती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिए, क्योंकि अगर आप लाइक करते हो तो मोटिवेशन मिलती है। आप लोग बिल्कुल भी लाइक नहीं करते हो, अगर आप लोग लाइक नहीं करोगे राइट एंड व्यू नहीं आएंगे तो फिर मेरा वीडियो बनाने का क्या फ़ायदा, अगर किसी के काम की नहीं है, अगर कोई देखता नहीं है तो मैं क्यों बनाऊंगी ना। तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, तभी मुझे पता चलेगा कि आप लोग देखते हो, आप लोगों के लिए यूज़फुल है, तभी मैं बनाऊंगी, ठीक है। बाकी आपकी विषय आपको लाइक करना ही नहीं करना, बस मोटिवेशन मिलती है। एंड आई होप आपको यहाँ से विजिबल होगा क्वेश्चन पेपर, अगर नहीं हो पा रहा है तो वैसे भी मैंने ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन पेपर शेयर कर दिए हैं जिससे आपकी हेल्प हो जाएगी। एंड अगेन आपको मैं क्वेश्चन पेपर दिखा रही हूँ, अगर आपने अच्छे से नहीं देखा है तो ये अगेन है ऑर्गन डायग्राम, हाइड्रोकोलिक एसिड्स, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, कोटन इफेक्ट। तो ये मेरे दिखान दोबारा दिखाने का ये मोटिव है कि ये क्वेश्चंस आप कर लो, जो मैं दोबारा दोबारा बोल रही हूँ, आपके लिए इजी हो जाएगा। क्लासेस आपने अटेंड नहीं किया है, मैक्सिमम आप इतना तो करो कि जो क्वेश्चन रिपीट्स में आ रहे हैं उसके ऊपर अपने एफर्ट्स ज़्यादा कर दो, राइट। सो जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक का था एंड ऑर्गेनिक का था उसके मैंने क्वेश्चन पेपर शेयर कर दिए हैं, आप उसके भी देख लेना। रह गए फिजिकल केमिस्ट्री के, उसके ऊपर भी क्वेश्चन पेपर मैं शेयर कर दूंगी, आप वो भी देख लेना। बस नोटिफिकेशन चेक करते रहा करें और जब भी आपको टाइम मिले वीडियो देखा करें, वीडियो पूरी देखें क्योंकि बीच बीच में इंफॉर्मेशन शेयर करती रहती हूँ। कोई भी अगर आप वीडियो स्किप करते हो तो आपका बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है, क्योंकि क्लासेस नहीं मिल रही आपको एंड इंफॉर्मेशन पहुंचना बहुत ज़रूरी है। सो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करें। जो भी नोट्स मैंने बना दिए, अगर आपको कोई फोटो चाहिए तो आप एफी पेज पे मुझसे ले सकते हैं। सो स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं, अगर आपको स्क्रीनशॉट में प्रॉब्लम आ रही है तो एफी पेज पे आप मुझे फॉलो करिए, वहाँ पर मैं आप डेट देती रहती हूँ, नोट शेयर करती हूँ, तो आप उसको सीधा गैलरी में सेव कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी आप ऑनेस्ट फॉलोवर बनो, मैं आपके साथ ऑनेस्ट रहूँगी, आपके साथ लॉयल रहूँगी, ठीक है। सो आप मुझे एफपी पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करिए एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय।